किसी को नाराज किया तो आपको मेरा गुस्सा मालूम नहीं है? अरे रुक्मणी क्या है वो आपको क्या पता? नहीं नहीं बाथरूम में कपड़े रखे तू वो भिगो दे जा तू, इससे तो मैं नहीं पटती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। कौन मिला था? बालू मामा क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। A few moments later। हाँ कुंवर, कुंवर क्या क्या बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। अभी क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओह क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की तीन गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने सातवीं में मुझे तीन बार फेल जो किया। हम दोनों मिलके ऐसा गरबा करेंगे कि पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी है? अरे सोचती क्या, चल दूसरी ओर है 90 किलो के जेठालाल का। ओ मेहता साहब क्या 90 किलो? 90 किलो नहीं है, 90 किलो से कम है। कितना कम है? 90 से काफी कम है। लेकिन फिर भी जेठालाल कितना है? 89 है। मुझे सिर्फ लाल दंत मंजन भेज दो। लेकिन जेठा भाई तो झाग वाला टूथपेस्ट मंगवाते हैं ना? अरे झाग ही चाहिए तो वॉशिंग पाउडर मंगवाएंगे, टूथपेस्ट क्यों मंगवाते? शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर देखा। नहीं नहीं रहने दीजिए, अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो। म्यूजिक दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तारक मेहता मेरा दोस्त है और मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों तारक भाई है? कुछ होने नहीं फिर उसके बाद चोर अपने घर में भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भाई शेर सिंह सिर्फ ऊंची ऊंची बातें मत करना, जब चोर आएगा तो ये सब जो बोला है वो करके बताना। और साहब आप चिंता ना करो, एक बार चोर को आने तो दो फिर देखना शेर सिंह। अरे कभी तो बड़ा सोच भाई, चल सोच के तूने अपनी छोटी सी दुकान की जगह पे एक बड़ी आलीशान दुकान बना ली, तो उसके लिए तुझे कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। क्यों कुछ नहीं, सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं। वाह क्या जमाना आ गया है। क्या मतलब? इंसान को पत्नी से ज्यादा लैपटॉप की चिंता है। क्या कहना चाह रहे हो? घर में लैपटॉप की तरह अंजलि भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक पल के लिए भी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि खड्डे में क्या अंजलि भाभी, कहाँ है मेरा लैपटॉप? सॉरी खड्डे में क्या लैपटॉप, कहाँ है अंजलि भाभी? बात करो पोपटलाल, तुम्हें कितना चाहिए पानी नहाने के लिए? एक तो अकेली जान, ऊपर से सिंगल पसली। ये देखो तुम्हारी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, इसका मतलब हुआ मुझे तुमसे इतना पानी ज्यादा चाहिए, और सबसे बड़ी बात मेरे बाल भी तुमसे ज्यादा है। ये देखो जब बेइज्जती है।
प्लान सफल होने नहीं दूंगा। मेरी सोनू को आई लव यू बोलोगे तुम? आई लव यू? तुम कौन से एंगल से अपने आप को रावण कहते हो? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सर देखना चाहता तो? हाँ चलो बाहर। क्यों बाकी के बाहर रखे? जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गया? आप रोमांटिक नहीं है? नहीं ना ही मैं रोमांटिक हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हिम्मत भी कौन करेगा? बोलो। मैं नहीं, कौआ बोला। वैसे तुम्हारी और कौए की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। अय्यर भाई बबीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठा लाल जेल भी जा चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो आपके रिश्ते का काबिल नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बापू जी जेठिया। टप्पू वहाँ पे है, उसको फोन दो। टप्पू को फोन दो। मैंने बोला था ना माधुरी, टप्पू की शरारत है। हेलो टप्पू यार।